व्हाट्स अप माय इंस्टाग्राम फैमिली, आप सब जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर की इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे ये समझ में आई बात कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कार्डियो कैसे करें, घरों पे बड़ा बड़ा ट्रेडमिल या जिम इक्विपमेंट रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो बहुत रिसर्च के बाद बहुत बजट में मुझे एक चीज़ मिली है, उसका नाम है ये काया बाइक। और अब आप खुद लेकर देख लीजिए काया का एक्सपीरियंस, ब्रांड में दम है। दिस इज द काया स्प्लिट 27.5। काया वॉज अर्लियर नोन एज अम्पा। इनकी अमेज़न में बहुत ही फेमस बाइसाइकिल्स थी एंड टॉप रेटेड भी थी। उन्होंने रिसेंटली सेमी फैट बाइक रिलीज करी है जो उनके न्यू गियर्ड मॉडल्स हैं। मतलब दिस इज अ नॉर्मल माउंटेन बाइक टायर एंड आप इससे कंपेयर करो, दिस इज ऑल्सो 27.5 एंड ये देखो विथ कितनी ज़्यादा फर्क है। माउंटेन बाइक से थोड़ा सा मोटा माना जाता है लेकिन फैट बाइक से पतला माना जाता है, तो दिस इज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लेकिन एक चीज नोटिस करी, इसकी जो हाइट थी ना वो 27.5 से थोड़ी सी ज़्यादा थी एंड जब मैं 29er से कंपेयर करी वो थोड़ी सी कम थी। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज लाइक अ 28er बाइक। इसमें भी आपको टू कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, द वन दैट आई हैव ओवर हियर दिस इज द ग्रीन वन एंड इसमें एक रेड का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। The color on this bicycle also looks kind of unique. अब एक couple गए थे यहाँ पर, वो इसको देख रहे थे, उन्होंने मुझे literally बोले कि ये 70,000 रुपीज़ की bicycle लगती है। जब इनको price बताया वो हैरान रह गए थे। मतलब आप अलग से इसको देख लो dude, मज़ेदार लगता है। मैंने even अपनी collection में इस cycle को रखा हुआ था, यानी अलग से ही चमक रही थी। स्पेशली इसका जो बैक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एंड येस, दिस साइकिल इज मेड इन इंडिया एंड इसी बात पर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज मैं मेड इन इंडिया बाइसाइकिल्स को ज्यादा प्रमोट करता हूँ। ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी को भी ये ज्यादा बूस्ट करते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे चेकआउट कर सकते हैं एंड साथ साथ में थोड़ी सी इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी बना लेता हूँ। आज हमारी वीडियो शूट हो रही है, दैट इज फॉर द काया बाइक। द फ्रेम ऑफ दिस बाइसाइकिल इज स्टील, द वेल्ड ऑफ दिस फ्रेम ये थोड़े से स्मूदन आउट लगते हैं। मे बी या तो उनको सच में स्मूदन आउट किया हुआ है या फिर इसमें थोड़ी सी पेंट की हैवी कोडिंग करी गई है। The company also told me that triple layer की paint coating मिल जाती है। They also say that this is rust-free frame. The stickers on this bike are also UV protected and हर Kaya bike के model में आपको मिल जाते हैं। The stand on this bike, this was kind of unique. इसमें एक तो reflector आ जाता है, this was never seen before. किसी और cycle में ये वाला design तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। Second of all, इसका जो stand है वो bolts के ऊपर लगा हुआ है, जिन्हें अगर आप देखेंगे तो फ्रेम में डायरेक्ट स्क्रूज लगे होते हैं एंड ओवर द टाइम वो काफी ज्यादा घिस जाते हैं। The crank on this bicycle is from Forspun. इसमें आपको 21 speed gears मिल जाते हैं and these are from Microshift. The combination is 3x7. One thing was also noticed that कि इसमें जो gear protection है उसका भी option मिल जाता है अलग से एंड उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। नाउ एज दिस इज अ स्टील फ्रेम, तो आप ये भी नोटिस करेंगे इसका जो गियर है दैट इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द फ्रेम एंड इसमें आपको अलग से डिलेर हैंगर नहीं मिलता है। The free wheel, this is from the company known as Sunburn. I also noticed जो उसकी brake cables थी and इसकी जो seat थी वो body color के हिसाब से matching थी। The hubs, these are also standard nut axle ones, front में भी and even on the back. The tires, these are 27.5 tires and its width that is 2.8 as I told you.
लेकिन दीज लुक काइंड ऑफ एग्रेसिव। जैसे अगर आप गाड़ी के टायर देखते हैं तो हाईवे टायर्स आते हैं, फिर ऑल टेरेन आते हैं, फिर मड टायर्स आते हैं, तो ये मुझे मड टायर टाइप के लगे, तो डेफिनेटली ऑफ रोड में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। I also posted an unboxing video of this bicycle on my secondary channel, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसके लिंक्स भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। दिस वॉज द शॉर्ट वर्जन। मैंने इसका एक और वर्जन भी अपलोड किया ऑन द फेसबुक, लेकिन वहाँ पे गाइडलाइंस है कि 3 मिनट से ज्यादा वीडियो डालनी पड़ेगी, तो वहाँ पर एक लॉन्ग वर्जन आपको मिल जाएगा। द रिम्स ऑन दिस बाइसाइकिल, दीज आर डबल वॉल एलॉय रिम्स, एंड इसमें और भी चीजें होती हैं जो एलॉय की आती है, जैसे जो सामने की स्टेम है दैट इज फ्रॉम एलॉय। जो इसके पेडल्स हैं दीज आर ऑल्सो एलॉय, लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंट पेडल्स लगे। नॉर्मल पेडल्स से डिफरेंट थे, एक तो डिजाइन में डिफरेंट थे, देखने में काफी ज्यादा अच्छे थे, एंड सेकंडली इसमें थोड़े से रिजेस मिले जिसमें तो आपको थोड़ी सी ज्यादा ग्रिप मिलेगी। स्टेप पर मैंने एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज नोटिस करी, इसमें जो स्पेसेस थे काफी ज्यादा नंबर के थे, मतलब आपको एडजस्टमेंट इजिली मिल जाएगी। ऊपर हाइट करने आप ऊपर कर लो, इसको नीचे लेके जाना है नीचे भी आप ले जा सकते हैं। तो जनरली अगर आप स्पेसेस देखेंगे तो या दो होते हैं या फिर मैक्सिमम 3 होते हैं, इसमें मुझे 4 स्पेसेस दिखे। साथ में आपको हाइब्रिड ग्रिप भी मिल जाती है, सो दिस इज लाइक अ रोड फोकस बाइसाइकिल, लेकिन साथ में आपको मड टायर्स मिल जाते हैं, दैट मींस दिस इज आल्सो एन ऑफ रोड बाइसाइकिल, सो दिस इज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द कंपनी आल्सो मेंशन मी कि ये जो बाइसाइकिल है दिस इज स्टील बिकॉज दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एंड जो आप रेगुलर एलॉय बाइसाइकिल देखते हैं दैट आर द इंपोर्टेड वन अकॉर्डिंग टू द कंपनी। एज यू नो दिस चैनल इज गुड ओनली बिकॉज इट इज अनबायस्ड, एंड मैं इस साइकिल की आपको डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फ्रेम है दैट इज स्टील, एंड स्टील के जो फ्रेम होते हैं तो एंटी लेवल बाइसाइकिल में आते हैं एंड थोड़े से हैवी भी होते हैं, और इसका जो साइकिल का वेट है वो भी ज्यादा हैवी हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रेम एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टायर्स। देयर वर आल्सो स्टिकर्स ऑन द बाइसाइकिल, जैसे स्टेम पे आपका स्टिकर था एंड ऑल्सो द सीट क्विक रिलीज, लेकिन ये जो स्टिकर्स थे वो एड ऑन टाइप के लग रहे थे, ये प्रिंटेड नहीं थे। इवन तो इसके स्टेम की लुक काफी ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन थोड़े से ब्लैंक भी रख सकते थे। इवन इसका जो फ्रंट डिरेलर है वो भी थोड़ा सा ब्लैंक टाइप का है, लेकिन अगर इस पर कोई स्टिकर लगा होता तो उसकी लुक से बेकार हो जाती। मे बी द कंपनी शुड रिमूव दीज स्टिकर्स, या फिर कस्टमर एंड पे भी ये स्टिकर इजीली निकल सकते हैं। ऑल्सो मैंने दिवाली की एक वीडियो रिलीज करी थी, उसमें मैंने इस बाइसाइकिल का ओवरव्यू दिखाया था आप लोगों को, एंड मुझे साइकिल का मॉडल नहीं पता लगा था, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज बिकॉज इसका जो मॉडल है वो आपको फॉक के ऊपर लिखा हुआ है। एंजल ने कोई भी बंदा फॉक के ऊपर मॉडल रीड नहीं करता है, वो फ्रेम पर भी एक्सपेक्ट करता है कि उसके मॉडल लिखा हो। हाउएवर जो इसका काया लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा बिग था एंड काफी दूर से भी रिकॉग्नाइज हो जाता है, सो ब्रांड रिकॉग्निशन में भी काफी ज्यादा सही रहता है ये। Now let's do a brake test on this bicycle, and उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा ये हैंडलबार का बैग है एंड इसमें अपने मोबाइल लगाऊंगा। तो पिछले जो हमारे जितने ब्रेक टेस्ट थे वो हमने करे थे अप्रॉक्स 20 की स्पीड में, लेकिन अब हम GPS से कैलकुलेट करेंगे। Now the speed is 3, 7, 10, 16, 18, 20. 20 पे स्टेबल एंड 3, 2 थोड़ी स्लो लगी, ऑलमोस्ट व्हील बेस के अंदर काफी पहले लग गई थी। यार मैं पहले लगा दी नहीं, यार पता नहीं लगेगा ना, फिर मैं ध्यान उसमें स्पीड में था, तो हम रीसेट कर रहे हैं स्पीड बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट ही आया है कैलकुलेशन रिजल्ट। ये है 8, 11, 20 ओके 3, 2, 1 अब तो ठीक साइड पे वो है ना। नहीं यार उसी टाइम, अब तो सही करा मैंने पहले भी ठीक किया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर आया। चलो मैं फिर से ट्राई लास्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है इस समय ठीक किया है। 18, 19 एंड 20 कॉन्स्टेंट 3, 2, 1 मैं बता रहा हूँ, मैंने पक्का उस पत्थर में मारी है, तेरे को दिक्कत आ रही है। तीसरी बार सेम रिजल्ट आया है। लेट्स सी द डिस्टेंस ओवर हियर, पत्थर ये है, इस बार इंची टेप भी नहीं बड़ी लेके आए हुए। लेट्स सी ये आया, सो दिस इज लाइक 87 इंच, सो द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 2 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑन द स्पीड ऑफ 20। जो रोड थी वो स्लाइडली थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन फ्लैट में भी ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ही आता। सो लेट्स सी कि व्हील बेस के अंदर होता है कि नहीं, एंड इसको घुमा लो। व्हील बेस का तो बहुत ही अंदर है, ये मुझे सच में शॉक किया बिकॉज टायर मोटे हैं, स्टील फ्रेम है, कैसे रुक गई है। सो दिस इज लाइक मेरी प्लस रेटिंग मिलती है फॉर योर ब्रेक्स। अब से जब भी ब्रेक टेस्ट करेंगे तो इस हिसाब से देखेंगे। सो नाउ लेट्स टेस्ट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस बाइसाइकिल एंड इसमें थोड़ी सी व्हीली करके देखेंगे बिकॉज व्हीली की आपको एक लाइट बाइसाइकिल चाहिए होती है एंड दिस इज काइंड ऑफ हैवी बाइसाइकिल। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग द व्हीली एंड 3, 2, 1 लग तो बहुत सही रही है, लेकिन वो स्पीड बहुत पिकअप हो रही है इसमें। हाँ अब ठीक है, अब स्टेबल होगी। ये तो उसका व्हीली पॉइंट बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ है, थोड़ा पीछे खींचनी पड़ रही है। कितने मजे से लग रही है यार।
ऐसे लगे जो सैर मार रहा हूँ ना कहीं जगह पे। हाँ भाई, वॉक करने चल रहे हैं वीडियो मारते हुए। बिफोर एंड दिस वीडियो, लेट्स ऑल्सो सी कि लास्ट वाली वीडियो में फर्स्ट कमेंट किसने किया था। दिस फ्रॉम हारून मुनीर, एंड लुक एट फर्स्ट, एंड जैसे ही जो फर्स्ट कमेंट करते हैं उसको मैं हार्ट देता हूँ। सो नेक्स्ट कमेंट, दिस इज फ्रॉम लूसिफर वाईटी, इन्होंने लिखा है जहाँ इनकी साइकिल शुरू होती है वहाँ हमारी साइकिल खत्म हो जाती है। कुछ भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम सिद्धार्थ न्यूयॉर्क, इन्होंने लिखा है डू यू हैव प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, इफ यस देन हाउ डू यू वियर साइकिलिंग ग्लासेस। ऑब्वियसली आई डू हैव प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइकिलिंग ग्लासेस के अंदर ही लगे हुए हैं, एंड इसकी वजह से मैं इजिली देख पाता हूँ। दिस डिजाइन इज फ्रॉम लिस्टर, एंड आई मैंने नोटिस किया कि दूसरी यूट्यूबर्स भी इसी डिजाइन को कॉपी करके पहने लग गए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम KWR Beast FF, इन्होंने लिखा है साइकिल चलाते वक्त पीछे से पानी उछलता है, क्या करो भाई, प्लीज रिप्लाई। पीछे जो पानी निकलता है उसको कलेक्ट करो एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यूज करो। जस्ट किडिंग, मडगार्ड लगा लो, और या फिर आप छोटे मडगार्ड भी लगा सकते हो, जैसे मॉडर्न बाइसाइकिल में नहीं आते, प्रिंटेड टाइप के डिजाइन आते हैं बिल्कुल इतने से लग जाते हैं, या फिर एस सेवर आता है वो यहाँ लग जाता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसने मेरे को ऐसा किया, किस बात पे, रोड ब्लॉक करने के लिए। तो कितनी खुशी मिलती है रोड ब्लॉक कर। जो फेल्स है इसके फ्रेम के ऊपर वो थोड़े से मुझे थिक लगे, जो वेल थे इसके फ्रेम के ऊपर मुझे थोड़े से स्मूदन आउट लगे। एक डॉगी घूम रहा था कब से, ये कहना आज के लिए हरियाणा की गाड़ी में नंबर प्लेट बड़ा VIP टाइप का हो गया, HR 98 9716। अच्छा, हरियाणा और सीधा नंबर, कोई एटलीवेट नहीं। हरियाणा की गाड़ी ले लूँ यार, 15 साल भी चल जाएगी। चल क्या रहा है ये डूड, सबके सब लटके हुए हैं, एक लेफ्ट लटका हुआ है, एक राइट लटका हुआ है, पीछे गाड़ी फुल ओवरलोडेड है, सामने बंदे बाहर लटके हुए हैं, भाई क्या चल रहा है, सीन क्या है। अब ख़त्म, और छोटी वीडियो बनी है, क्या करेंगे, इसको नीचे उतारना है। ओ बस क्या, नीचे लेके जाओ, ओए फक, ओश, अरे गंदा फिसला यार, सेल्फी लेके आता उसका, आ जा, मतलब यहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर सकते हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी वाले बाइसाइकिल दिखे तो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दिस फैट बिग साइनिंग ऑफ।